हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल रिकी ब्रदर्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसा घरेलू नुस्खा जिससे कि फ्रेंड्स आपकी जो दस्त है वो एकदम से ठीक होने वाली है। और फ्रेंड्स, ये नुस्खा आजमाया हुआ नुस्खा है। तो फ्रेंड्स, आज का नुस्खा क्या है तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरी देखें। तो फ्रेंड्स, हमें इस नुस्खे में जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो है चाय पत्ती और शक्कर। और फ्रेंड, मेरे यहाँ पर आधा चम्मच चाय पत्ती लिए और आधा चम्मच शक्कर लिए। फ्रेंड्स, मैं इसे आपको पास में लाकर भी बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रही आधा चम्मच चाय पत्ती, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको शक्कर भी बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर मैंने आधा चम्मच शक्कर भी लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इन दोनों को मिक्स कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इन्हें मिक्स कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसे मुंह में डाल लेंगे और फ्रेंड्स उसके बाद हमें इसे 5 से 10 मिनट तक अच्छे से चूसना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, फ्रेंड्स आपको इसे चबाना नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम इसे मुंह में डाल लेते हैं। और फ्रेंड्स, आपको इसे गले में नहीं उतारना होगा और फ्रेंड्स आपको इसे 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही चूसना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हमें यहाँ पर पानी का कुल्ला कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पानी का कुल्ला कर लिया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि फ्रेंड्स आप भी समझ रहे होंगे कि शक्कर और चाय पत्ती का टेस्ट अच्छा नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शक्कर और चाय पत्ती का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, इस नुस्खे को आपको 1 से 2 दिन तक करना होगा। और फ्रेंड्स, आपको इसे एक सुबह नाश्ता करने के बाद और शाम को खाना खाने से 2 घंटे पहले करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये नुस्खा आजमा लेते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि फ्रेंड्स आपकी जो दस्त है वह एकदम से ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये नुस्खा अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।